हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट का लास्ट सेशन रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। टेलीग्राम को ओपन करके गेटवे ऑफ टैली पर आकर क्या करना है, वाउचर्स को एंटर करना है। तो इसमें देखिए, हमने एक बारी में आपको बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा था, ताकि रिवाइज हो जाए। जिसने नहीं देखा है प्रीवियस सेशन, जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, तो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री तो कर ली है कि जब हम पूरे गुड्स को रिटर्न करते हैं तो कैसी एंट्री होती है, क्या बैलेंस शो होता है, क्या अफेक्ट पड़ता है परचेज पर, और जब हम हाफ गुड्स को रिटर्न करते हैं तब क्या बैलेंस पर अफेक्ट पड़ता है, ये देखा था। तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि जब हम गुड्स को रिटर्न नहीं करते बट जो सेलर होता है हमें वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। जब हमें सेलर से डिस्काउंट मिले, ये केस कैसा होता है आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्काउंट ऑन परचेज जो था उसमें क्या होता है कि मतलब अगर हमने कोई ऑर्डर मतलब कि प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, और वो हमारे पास बाद में आया और हमें उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, क्वालिटी में उसकी फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, तो क्या होगा, आज हम सेलर का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं, हम बोलते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो अलग है तो आप इसको रिटर्न कर लो। तो सेलर बोलता है कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम आपको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, तो वो रिटर्न करने से मना किया। अब क्या होता है कि सेलर जो होता है वो डिस्काउंट देता है, बट इस डिस्काउंट देते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो बायर है वो सेटिस्फाइड हो उस डिस्काउंट में, ठीक है, तभी उस डिस्काउंट का फायदा है। तो ये डिस्काउंट ऑन परचेज यही होता है कि अगर हम इफ द गुड्स परचेज्ड एंड क्वालिटी इज नॉट गुड एंड यू वांट सम डिस्काउंट बिकॉज ऑफ दैट, हमें उसकी वजह से कोई डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट में कुछ फर्क मिला है, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे हम, यही वाली एंट्री को करके देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेज। कितने रुपीस का डिस्काउंट मिल गया, मान लीजिए हमें 6000 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। तो आपको एक बारी सारा रिवाइज तो हो ही गया है, रिमाइंड हो गया है, तो यहाँ पे एक बारी आते हैं यहाँ पर परचेज। हम पहले हमें परचेज करना पड़ेगा तभी तो हम उसको कॉल करेंगे ना कि हमें सामान पसंद नहीं आया, जब हमने कुछ खरीदा ही नहीं है, तो पहले परचेज की एंट्री करते हैं। थर्ड लिखते हैं यहाँ पर पार्टी अकाउंट, मतलब कि यहाँ पे क्या आता है, जैसे हमारी पेमेंट हो रही होती है कैश, क्रेडिट या फिर बैंक, तो अभी क्या कर रहे हैं हम बैंक से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश पर ओके करेंगे और इसको जो आपके पास ये ऑफिस में मिलेगा आपको सिर्फ उससे देखकर ही भरना होगा, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं। मेलिंग नेम में क्या आएगा, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए पवन ट्रेडर्स, ठीक है, एड्रेस ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल XYZ, ठीक है, और कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। अब परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज हमने ओपन कर रखा है यहाँ पर, तो एंटर कर देंगे। अभी क्या करना है, हमें सामान खरीदना है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, अभी हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है, देखिए 00 दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम डेनिम के ट्राउजर्स खरीदते हैं आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन रख लेते हैं दिल्ली, क्वांटिटी ऐसा करते हैं हम 100 पीस मंगाते हैं 500 के अकॉर्डिंग। तो देखिए टोटल हमारा, हमने कितने का मंगाया, कितने का परचेज कर रहे हैं, 50,000 का, ठीक है, याद रखना है ये 100 पीस मंगा रहे हैं 500 के अकॉर्डिंग, एंटर कर देंगे।
इसको नो करेंगे। अभी हम जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको जीएसटी की थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है ये नरेशन, नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, 50,000 के हमने गुड्स परचेज कर लिए और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाते हैं एक बारी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पर परचेज रजिस्टर में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर कितने का खरीदा है, परचेज किया है 50,000 का। ठीक है, ये अभी हमने खरीदा है। तो वापस बैक करते हैं, अब हमें इसको परचेज रिटर्न करने के लिए हम मान लीजिए कॉल कर रहे हैं सेलर को, बट उन्होंने क्या बोला है कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएंगे, वाउचर पे आएंगे, डेबिट नोट को ओपन करेंगे कैसे, ऑल्ट F5 से डेबिट नोट यहाँ पे ओपन हो गया। पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, जैसे पेमेंट की थी सेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो इनवॉइस नंबर है इसमें क्या डालेंगे, जैसे इनवॉइस जब आपने खरीदा होगा तो आपको वहां से बिल मिला होगा ना, वही यहाँ पर सेम एज इट इज आपको लिखना है। तो वो क्या था, 3, और यहाँ पे क्या लिखना है, मेलिंग नेम में जो वहां पर लिखा था क्या लिखा था, पवन ट्रेडर्स, और एड्रेस भी सेम लिखना, एड्रेस क्या था, XYZ। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। यहाँ पे लेजर अकाउंट है, देखिए लेजर अकाउंट में यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है परचेज रिटर्न तो हम कर नहीं रहे। उन्होंने हमें क्या बोला है कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप रिटर्न मत करिए। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, हमने 50,000 का सामान खरीद लिया है, ये 50,000 जो शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेजर क्या बनेगा, कैसे, ऑल्ट सी पर प्रेस करेंगे, क्लिक कर किया। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन परचेज, कि हमें परचेज पर डिस्काउंट मिला है, और ये रहेगा किसमें, इसमें देखिए कोई भी डी से आते हैं तो यहाँ पे डी से कुछ भी नहीं है, तो किसमें रहेगा, परचेज अकाउंट में ही एंटर कर देंगे। और यहाँ पर कंट्रोल ए करके ये सेव हो गया। ठीक है, ये जो आप क्या है, नेम ऑफ आइटम कि हम क्या, किस पर हमें डिस्काउंट चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमने परचेज किया था उसी पर तो डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने क्या परचेज किया था, डेनिम के ट्राउजर, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे डी लिखेंगे ना, तो डी वाले जितने भी आपने स्टॉक आइटम बना रखे, अगर मान लीजिए आपने नहीं बनाया तो ऑल्ट सी से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बना रखे है, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं डेनिम ट्राउजर 30 साइज के हमने 100 पीस खरीदे थे, एंटर करते हैं। यहाँ पे लोकेशन किसमें थे, वो दिल्ली वाले गोडाउन में ही रखे थे, कितनी हमें, कितने पर डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट को दे नहीं रहे, वो तो पूरे पर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी और रेट को ब्लैंक छोड़ना है। क्या करना है, क्वांटिटी और रेट में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट और परचेज की डेबिट नोट में, डेबिट वाउचर में, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी नहीं लिखनी है, ना ही रेट लिखना है। एंटर करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट आप अमाउंट लिखेंगे, मान लीजिए आपने 50,000 का सामान खरीदा है और आपको वो दे रहे हैं 50,000 में से 10,000 का डिस्काउंट, और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ रुपीज 10,000, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए आप 50,000 में से 10,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, मतलब कि हमने रिटर्न नहीं किया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका है, पहले एक बार आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके अकाउंट बुक में जाएंगे,
और परचेज में जाएंगे। तो इसमें देखिए हमने क्या किया था, आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, 50,000 का हमने सामान खरीदा था, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अभी क्या करना है, बैक करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद क्या करना है, इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा डिस्काउंट जो है वो अफेक्ट किया है बैलेंस पर या नहीं किया है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस जी। तो ऑल्ट जी पर प्रेस करके क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे, फाइनल अकाउंट यहाँ पर किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ओके करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, 40,000 का स्टॉक है हमारे पास, इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 10,000 डिस्काउंट ऑन परचेज, यही हमने डिस्काउंट मिला है ना 10,000 का, तो ये वही है, बाकी इन पे अभी मत देखिए, ये दोनों पुराना है, ठीक है, कि हमने परचेज टोटल इतना क्या है, रिटर्न इतना क्या है और डिस्काउंट कितना है हमारा 10,000 का। तो इसलिए आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पर, परचेज अकाउंट में 40,000 शो हो रहा है, क्योंकि 40,000 का स्टॉक अभी आपके पास है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, डेबिट नोट में डिस्काउंट ऑन परचेज, और जब भी हम सामान गुड्स परचेज रिटर्न करते हैं, सारे गुड्स या फिर हाफ ऑफ गुड्स, तो एंट्री कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर, तो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर का टॉपिक जो है वो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।